नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हमारे पास एक शख्स बैठे हैं। हाँ भाई, बताइए कुछ है। हेलो, हाय। और अपना इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ। व्हाट इज योर नेम? सागर। सागर दी बॉडी। तो भाई लोगों, आज सागर भाई की ड्राइविंग देखने को मिलेगी आपको। बहुत सौभाग्य की बात है। क्यों, कौन सा दिन है आज ड्राइविंग का? दसवां दिन है। दसवां। और कहाँ चला रहे हो? बिरमदारा चला रहे हो? बिरमदारा से रामनगर। और क्या समस्या का सामना करने को मिलेगा आपको? भीड़ का और मुझे तुम जैसे भेड़ों का। को देखिए, सागर भाई की ड्राइविंग आपको देखने को मिल रही है, यही बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सागर की जो लहरें हैं ना, वो बड़ी खतरनाक हैं। तो सागर भाई, हम धीरे धीरे गाड़ी चलाएंगे, वो अलग बात है कि आप 50 की स्पीड में उड़ाओ गाड़ी को। क्यों? पांचवा गियर भी लेना है, क्योंकि हाईवे में हमने स्पीड मेंटेन रखनी है। स्लो भी नहीं चल सकते और ज़्यादा तेज भी नहीं चल सकते। आगे गाड़ियाँ हैं। हाँ, वो कोई बात नहीं, मैं कौन सा बहाने कह रहा हूँ। फिलहाल इस हाईवे की, जिस हाईवे पे हम हैं, इस हाईवे की स्पीड लिमिट 70 है, लेकिन आपने 50 से ऊपर नहीं चलना है। ठीक है, 50 तक आपको भागने की, मतलब चलाने की लिमिट दे रखी मैंने, तो 50 तक आपने गाड़ी चलानी है। तो हाईवे के नियम वगैरह पता है आपको? बताइए। हाईवे पे ज़्यादा तेज गाड़ी नहीं चलानी। हाईवे तो तेज चलाने के लिए बनाए जाते हैं। ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना। और इधर उधर का ध्यान देना चाहिए। और क्या? मेरे बाबू ने थाना था। ये क्या करा तुमने? उसको दिया पासिंग लाइट। अच्छा, सामने से आ रहा था। पासिंग लाइट किसको दी? ये काले वाले को। अच्छा, क्यों दी? बिल्कुल मुंह के सामने आ रहा था। मुंह के सामने, गाड़ी के सामने आ रहा था। अब तो एक ही बात तो है यार। वो कौन भूल गया इंडिकेटर? वो इंडिकेटर दे करके भूल गया। देखो, फिलहाल आप उसका ओवरटेक करो यार, पांचों गियर भी डालो। कब तक चौथे में चलोगे? देखो, बड़े गियर में ओवरटेक नहीं करते हैं। पिकअप खत्म हो गया ना, देखो गाड़ी भाग नहीं रही ना, पहले पिकअप बना लेते हैं, उसके बाद चलो उड़ाओ गाड़ी। चलाओ, शाबाश। हॉर्न नहीं दिया ना आपने? क्यों नहीं दिया हॉर्न? है क्या सिखाया था ओवरटेक करते समय? भूल गया। इंडिकेटर देना है, लाइन चेंज करना है, है नहीं? लाइन चेंज करते समय इंडिकेटर, फिर इंडिकेटर को बंद करो, फिर लेफ्ट इंडिकेटर दो, और फिर हॉर्न नहीं दिया ना। अच्छा, ओवरटेक करने के बाद हॉर्न दिया, इंडिकेटर बंद करो पीछे। अरे बंद करना इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर दे दिया, पीछे वाला जा रहा है तो उसको जाने दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ना, दूसरों का रास्ता भी नोखना है। और इतनी बार बताने के बाद भी अगर मुझे बार बार बताना पड़ रहा तो सागर, तो इंडिका चलाओगे फिर? इंडिका चला लेंगे। तो भाई, हम पहुंच चुके हैं यहाँ से ट्रैफिक में, और बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने ट्रैफिक में पहुंचने में। मैं बता नहीं सकता कितना टाइम लगा दिया। क्यों, तुम ज़्यादा हल्की नहीं चला लो गाड़ी? हाईवे पे हल्की चलाएंगे? हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो। इतनी चलानी चाहिए? आधा घंटा हो गया 10 मिनट के रास्ते में। तो ट्रैफिक में आपने मतलब दाएं बाएं देखना है, ठीक है, चचा ताऊ सबको बचाते हुए। और गाड़ी अगर टच हुई ना दाएं बाएं से, तो भाई अगर मैंने टच कर दिया फिर पता है ना, यार नीला निशान पड़ जाएगा, नीला। ईजा बोलेगी कि किसने मारा है। पहले गियर क्यों डाल लो पहले गियर, तो सेकंड गियर डालो, न्यूट्रल हो गई। अब हल्के हल्के चलो, भीड़ भाड़ है ना, इसलिए पहला डाल रहा। भीड़ भाड़ है, पहला डाल लेते, लेकिन आपकी स्पीड तो 10 से ऊपर बन रही ना, अभी हम चल सकते हैं। वो कुलचे वाले के पास रोकनी गाड़ी हमने, लेफ्ट वाले कुलचे वाले के पास। इंडिकेटर दो, चलते रहो साइड में, और साइड में आओ, चलते रहो, ढीला पकड़ो, टाइट की पकड़ दिया, चलते रहो, और चलो एंड स्टॉप कर दो, एकदम ब्रेक दबा दिया है, 1 मिनट के लिए बंद कर दो। स्कूल बस जब आ जाए ना, तो भाई गाड़ी रोक देनी है, क्योंकि बच्चे उतर रहे होते हैं ना। ठीक है, हाँ, तो फिर चलना ही, सीधी तो चलना है हमने। चले, चलो कैसे मोड़ो? चलो भाई, चलाओ, आए को सीधे जाना है। कैसे मोड़ो? क्या बात भाई, कैसे मोड़ो क्या होता है? उधर देखो, चलो
वो देखो मोड़ो और घुमाओ और घुमाओ, चलो उड़ाओ गाड़ी फटाफट, डालो दूसरा गियर, निकले हाथ से मक्खन तरीके से, ठीक है, ताकत नहीं लगानी है, मार्केट में आराम से पहले दूसरे गियर में हल्के हल्के चलते रहो धीरे धीरे, चल भाई आराम से हैं, जब ज़्यादा क्राउड आ जाएगा ना तो ऐसे में हमने फर्स्ट गियर कर देना है, समझ रहा, ज़्यादा क्राउड, अभी तो चलते रहो, अभी तो स्पेस है ना, इतनी दूरी है वहाँ पर, डिस्टेंस है क्या, बट ट्रैक ही देखते रहे ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो मत देखना ना सुनना, देख रहा था क्या बोला था मैंने, फटाफट चलो आधा क्लच छोड़ना, पूरा नहीं छोड़ो, आधा क्लच, अच्छा इतने बड़ा आगे कि हमसे आगे निकल जाएंगे, बेटे छोड़ो तो रहो चलते रहो, चलो रेस दो रेस दो रेस दो, है उसे निकलने दे दिया, रेस दो, उसे निकलने नहीं देना था मैंने, वो गलत घुसा था, फिर क्लच छोड़ दे रहो, इशारा करो, चलो कितना क्लच छोड़ते हैं, तो पूरा क्यों छोड़ रहा हूँ, क्यों छोड़ लो पूरा, चलो आधा क्लच बिल्कुल नॉर्मल, इतना ही क्लच छोड़ना है, इससे ज़्यादा छोड़ोगे तो गाड़ी बंद होगी होगी, जल्दी क्या कर जाने की, तो फिर देखा कितना ट्रैफिक होता है एक बजे, चलो क्लच आप ही रहेगा, तो मुझे पता ऐसे चलता है क्योंकि मेरे पास भी क्लच ब्रेक हैं, तभी पता चल जाता है कि क्लच आधा दबा रहे हैं या पूरा, दूरी बना कर रखो सामने वाली गाड़ी के, जब टायर दिखने बंद हो जाते हैं ना तो डिस्टेंस उतना स्टॉप कर दिया करो, हाँ सर पे बैठ जा भाई हमारे आकर के, आगे जाम लगा पड़ा है, हॉर्न बजा रहा है, क्या किसको हॉर्न बजाया तुमने, इसको पासिंग लाइट देंगे, सिखाया नहीं था, सामने से आने वाले को वाहन को क्या करते हैं, दोबारा तो नहीं बोलना पड़ेगा, चलो रेस उठाओ स्टार्ट, चलो रेस दो, रेस चढ़ाई है ना इसलिए, चढ़ाई पे गाड़ी रुकेगी तो हाफ क्लच पे हल्का सा एक्सीलेटर, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, हल्के हल्के चलते रहो, लेफ्ट राइट देखते रहो, मोड़ो ब्रेक पे पैर रहेगा, एक्सीलेटर की जरूरत नहीं, लेफ्ट बचाओ, लेफ्ट दिखाई दे रहा तुम्हें, फिर लेफ्ट में जाओ, चलो स्टार्ट फटाफट, चलो घुमाओ, क्लच पूरा छूट रहा है यार, क्लच ना पूरा छूट रहा है, समझ रहा, अरे सुतरी का साला बच गया, मेरा आगे से भी आया था ना, राइट जाना है यहाँ से, राइट इंडिकेटर दो, चल दो रेस दो, दो दो राइट इंडिकेटर दो, चलते रहो चलते रहो, उस कार के पीछे चलो, उस कार के पीछे चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चल भाई आ जा मेरी तरफ को, ठीक है, गाड़ी तो अच्छी चलाई लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं आया यार, क्यों यार, पैनिक सिचुएशन, बड़े भारी पैनिक सिचुएशन, पहले दिन में ही देखो, ओहो मट्टी पलीत हो गई है, तो भाई लोगों आप ऐसी गलती ना करें, ऐसी गलती मतलब जैसे कि यार ट्रैफिक में चल लो, गाना बंद कर बे, तो भाई लोगों आप लोग ऐसी गलती मत करो, क्योंकि ट्रैफिक में जब आप चलते हो तो आपने पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, मैं मतलब यहाँ बता रहा हूँ, तुम हॉर्न बजा रहे हो, दूसरा समझाया कैसे, गाड़ी वाले तीन बार बता दिया मैंने, तो भाई लोगों आप लोग सीढ़ी वाले देखो वहीं पे रखी है, मैं पागल हूँ जो बोल रहा हूँ यहाँ पर, ओ हीरो तो भाई लोगों आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है, तो ट्रैफिक में आप चलो तो कभी भी पूरा क्लच नहीं छोड़ना है, क्योंकि गाड़ी उठाने में क्या होता है कि पूरा क्लच छोड़ोगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, तो हाफ क्लच के मूवमेंट में ही गाड़ी चलने लगती है, क्योंकि इतने उसके आरपीएम बढ़े हुए होते हैं, स्लो उसकी पावर इतनी होती है, तो फिलहाल कैसी लगी आज की ड्राइविंग कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।